है कि इंडिया प्लान्स टू ओपन कॉरिडोर टू पाकिस्तान कश्मीर फॉर पिलग्रिमेज। ये आज जो उनके अमित शाह साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एक टेम्पल है जो कि टीच वाले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और उसमें शारदा देवी टेम्पल इसको कहा जाता है, उसमें इनॉग्रेट उन्होंने जब किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर, एक जो करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान में उसी टाइप का एक कॉरिडोर पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहां पर स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। भी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के नहीं किसी को हिंदू बनाया? कभी भी नहीं। नहीं तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम क्यों चाहती है कि और लोग यू नो कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन यू नो यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर इट। बेचारे ऐसे कि उनको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे ऐसे कोई पढ़ने लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ पे जॉब वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैंने उसको एक बिल्कुल एक जेल की तरह बना हुआ था, लेकिन आज मुझे ये जॉब फेयर वहाँ पे जैसे इनकार हुआ है जॉब फेयर का, तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान का कोई एक बड़ा एक वेल नोन सिटी है, जैसे कोई इस्लामाबाद होगा या लाहौर होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल ऐसा नहीं था कश्मीरीज के बारे में। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा प्लान बना लिया है, जहां पर अमित शाह जी का ये कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ एक शारदा पीठ कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे हैं और हम उसको जल्द से जल्द खोलना चाहते, जबकि जो भी श्रद्धालु भारत से शारदा पीठ के दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पर जाकर कर सकते हैं, जहां पर पूरी दुनिया में शारदा पीठ का नाम एक बहुत ही पुराने मंदिर के द्वारा जाना जाता है और जब से पीओके पाकिस्तान के हाथ में है वहाँ के सभी मंदिरों की हालत आज बहुत ही बुरे हाल में है और यही कारण है कि भारत ने अपने पूर्वजों की मंदिरों को फिर से उजागर करने के लिए एक मुहिम चला ली है और इनकी बात पाकिस्तान के साथ चल रही है कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया वैसे ही अब शारदा पीठ कॉरिडोर भी खोला जाए, जिसमें सभी हिंदूज वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर सके जैसे उनके पूर्वज करते थे। पर इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर उन्होंने इस कॉरिडोर को शुरू कर दिया तो उनके हाथ से पीओके चला जाएगा। जब वहां के लोगों को शारदा पीठ की असलियत पता चलेगी तो क्या पाकिस्तान इस कॉरिडोर खोलने के लिए राजी होगा? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम जो है, एक ऐलान आप इसको समझें। और इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज की अहमियत से आगाह नहीं है, ये जो शारदा टेम्पल है या शारदा पीठ कहते हैं इसको, कि इसकी हिस्टोरिकल अहमियत जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्टोरिकली लोकेटेड है वहाँ क्या रही है, और इसका जो हिंदुस्तान में भारत में जो हिंदू मजहब या बुद्धिस्ट मजहब के या जैन मत या इस तरह के लोग या आम लोग हैं उनकी क्या अहमियत है, और तीसरा ये कि ये इसी तरह का कॉरिडोर जो है जिस तरह के करतारपुर का है, क्या ये पॉसिबल है या इसको होना चाहिए या इससे मुख्तलिफ होना चाहिए? इसके साथ तीन चार किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि ये जो एक लंबी तहरीक है गुज़श्ता 60-70 साल से, जो लोग रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या रिलीजियस मकामात पे मुकद्दस मकामात से या तारीख से जिनको दिलचस्पी है, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है ऑल ओवर भारत या जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन किस्म का स्पॉट रहा है। और हिस्टोरिकली ये जो शारदा टेम्पल है जो कि सरहद के दोनों तरफ जिसके आसार मौजूद हैं, उस तरफ तो उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है जो एक नए सिरे से, तो
तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी कश्मीर में उसके टेंपल का एक जो है एक इमारत वहां पे मौजूद है। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली आप यूं समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी समझा जाता था, और ये कोई आज की बात नहीं बल्कि 5000 साल से जो है वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन जब डोमिनेट कर रहा था उस जमाने से लेके आगे जो है वो जो मजाहब बर सगीर में बदलते रहे, लेकिन उस जगह की जो अहमियत थी एज ए यूनिवर्सिटी कि पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे आते थे जो इसके लिए इलम के उसूल के लिए, रिलीजियस स्टडीज के लिए, स्पिरिचुअलिज्म और इस तरह की चीज़ों के लिए, यानी जिस तरह के आप समझ लें कि टेक्सला की एक अहमियत है हिस्टोरिकली, इससे भी कहीं ज्यादा है इस इलाके की अहमियत है। के सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट, अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया, कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग यू नो कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन यू नो यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर इट, बट नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे, क्यों? Why so? I mean, I don't believe. I have seen people. मैं सही में आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जिस जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड। तो मतलब ही क्या हुआ? ये सब ऊपरा ऊपरी होता है। Until and unless a woman comes out and says that okay, I am really willing to do it, you should not force anybody. तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो पढ़ाई जा रही है, आई थिंक पूरा आज पूरे, मतलब मैं सिर्फ कैनेडा या सिर्फ अमेरिका, यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड टेक्स्ट एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ लाइक यू नो विथ वन रिलीजन। इट्स नॉट अ कल्ट, इट्स नॉट अबाउट अ कल्ट, सो इट इज अबाउट फुल वर्ल्ड, इट्स फॉर फुल वर्ल्ड। आज तक यही समझता था कश्मीरीज बेचारे ऐसे कि उनको किसी भी चीज की आजादी नहीं है, वहां पे ऐसे कोई पढ़ने लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहां पे जॉब वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैंने उसको एक बिल्कुल एक जेल की तरह बना हुआ था, लेकिन आज मुझे ये जॉब फेयर वहाँ पे जैसे इनकाद हुआ है जॉब फेयर का, तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान का कोई एक बड़ा एक वेल नोन सिटी है, जैसे कोई इस्लामाबाद होगा या लाहौर होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल ऐसा नहीं था कश्मीरीज के बारे में। जितना भी हमें पहले से बताया जाता था कि वहाँ पर इंतहाई किस्म का जुल्म होता है और उनको बाहर जॉब की तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि वहाँ पर उनको जॉब देंगे, लेकिन इस वीडियो में देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनके लिए इंडिया हुकूमत ने, जो इंडिया गवर्नमेंट है, उन लोगों ने ना ऐसे इकदाम किए हुए। अच्छी जॉब्स के लिहाज से तो वो बहुत सारे परेशान हैं,